स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार की इन्हीं योजनाओं में एक योजना मध्याह्न भोज की है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में स्कूलों के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए विद्यालय के अधिकारियों के द्वारा भोजन बनाने व बर्तनों की साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। परंतु कुछ विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना को खुलेआम पलीता लगाया जाता है। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गाँव रहड़वा जदीद में प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के द्वारा स्कूल के बच्चों से झूठे बर्तन धुलवाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा का स्तर बढ़ाने में बच्चों की सुविधा के लिए चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना को रामराज थाना क्षेत्र के गांव रहड़वा जदीद के प्रधान अध्यापक खुलेआम पलीता लगाते नजर आते हैं। प्रधान अध्यापक द्वारा खुलेआम विद्यालय प्रांगण में स्कूल के बच्चों के द्वारा झूठे बर्तन धुलवाए जाने का वीडियो वायरल हुआ। इस घटना को कैमरे में कैद करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को देखकर विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने झूठे बर्तन धोते बच्चों से बर्तन छीन लिए। इस संबंध में जब प्रधान अध्यापक से बात करने का प्रयास किया गया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस संबंध में ABS से सविता डबराल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी।